ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਕਿਆ ਚੁਲ ਮਚੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਐਰੀ ਗਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਯੂੰ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੋ ਨਹੀਂ 10 ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਚਾਹਤੇ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆ ਚਾਹਤੇ ਹੈ। तो हेलो मेरे भाई लोग, तो क्या हाल चाल। तो भाई लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कुल्हड़ पिज़्ज़ा के बारे में, यानी कि कुल्हड़ पिज़्ज़ा का जो कपल है उनके बारे में बात करने वाले हैं। भाई क्यों लोग उनके बारे में ऐसा बुरा भला बोल रहे हैं, क्यों उन्हें उनकी वीडियो वायरल कर रहे हैं। इतनी अच्छा तो उनका रिलेशनशिप चल रहा है, इतने अच्छे से वो रह रहे थे खुशियों के साथ। भाई हर वक्त इतना है कि ये दुनिया जो है ना, ये जो लोग हैं ना दुनिया के, ये किसी को खुश देखना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, अब मैं आपको उनकी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें ये प्रूफ भी होता है कि क्या क्या हुआ है उनके साथ और कैसे ये वीडियो वायरल हुई है। उसी सवेर तो साढ़े नाम तो एक वीडियो वायरल होंगी देख रहे हो, वो वीडियो बिल्कुल पूरी तरह फेक है। उसका कारण ये है, आज तो 15 दिन पहले साढ़े इंस्टाग्राम के उत्ते मैसेज आता एक ये वाली वीडियो भेज के कि मेरे अकाउंट के इन्ने पैसे ट्रांसफर कर दिए जा नहीं तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूँगा। वो वायरल करने की गल करने बाद असी किसी पास उन्होंने डायरैक्टली पैसे देने की बजाय असी आके पुलिस के कंप्लेट की कि 4 नंबर चौंकी के आके इतने कंप्लेट करने तो बाद उन्होंने कुछ बंदे राउंड अप भी किए, सारा कुछ देखा। पर उस तो बाद बेबी के कोल मतलब बेबी होने वाला सीगा, बेबी होने करके असी थोड़ा जहाँ उधरले पासे बिजी हो गए। बिजी होने करके 2-3 दिन तुम्हें पता बंदा जो बेबी होंगे उधरले पासे बिजी रहता है, तो बिजी होने करके असी उस समय 2-3 दिन कोई नवी कार्रवाई या कोई एक्शन नहीं लै पाए। तो उस तो बाद वीडियो साढ़े सामने आई है, ये बिल्कुल टोटली फेक है। जो उत्ते जो कुछ भी बनाया लोगों ने फेस, तुम्हें पता अजकल AI दे नाल बड़ा कुछ हो जाता है, किसी के भी फेस में लगा के किसी भी तरह की वीडियो बन जाती है। तो एक छोटी जी बेनती हो रहा है, तुम जिन्हें भी लोग इस वीडियो में शेयर कर रहे हो जो कुछ भी कर रहे हो, देखो तुम सारे धियां भैन वाले हो, तुहाडे घर भी अपने घर धियां भी है भैन भी है, तुम्हें भी किसी के कुखों जन्म ले है ना। एक तुहाडी फेक वीडियो एक दूजे पासे वायरल करन दे नाल अगर कोई 19-21 अगर मेरी वाइफ में किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है 2 दिन पहले वह सजेरियन ऑपरेशन होया वा बेबी होने करके, अगर वो किसी भी तरीके की 19-21 हो जाती है तो कानून वालों किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी तरीके की वीडियो अगर किसी पासे फॉरवर्ड होती है तो लीगली वो प्रोपर पूरा एक्शन लिता जाएगा। तो कृपा करके इस वीडियो में वो शेयर करो ताकि जो वो फेक वीडियो हो रही है। वीडियो सच्ची झूठी मैं इस बारे नहीं गल करांगा, पर इस टाइम जो साडे घर दे हालात ने जिहड़ी सिचुएशन जो असीं निकल रहे हैं, अज सिर्फ 2 दिन पहले वाले दा अपडेट होया और इस समय जो भी हालत है जिस घर दे विच खुशी होनी चाहिए असीं अज उस घर दे विच मर्ग वाला माहौल बनिया पिया, पता नहीं असीं कल नूं बचिए ना बचिए, पर असीं इन्ने ज़्यादा परेशान हैं इस गलों। तुसीं भी छोड़ो, तुसीं भी अगर अपने आप नूं साडे जगह रख के देखो कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि किसी भी वीडियो इस तरीके पर वायरल हो गए। हर बंदा अपनी जिंदगी कुछ ना कुछ करता है, पर कुछ लोग लुके रह जाते हैं, कुछ लोग कभी सामने आ जाते हैं। असी ये वीडियो रुक सकती सी अज तो असी 15 दिन पहले जो असी गए थे पुलिस थाने जो सानू ब्लैकमेल किया गया सी, ब्लैकमेल करने वेले असी जो थाने गए थे कि सानू इदा करके साथ तो पैसे भी डिमांड की जा रही है कि असी तुहाडी वीडियो वायरल कर देंगे। उस कुड़ी ने जो मैसेज किया कुड़ी तेरे ने अरेस्ट कर लिया कुछ टेक्निकल चीज़ा करके, क्योंकि सारा डाटा इंटरनेट का इंस्टाग्राम का या सारी चीज़ा इतनी नहीं होंदियां, जे करके उस कुड़ी ने सानू पहली धमकी जो वीडियो भेजी थी उस वीडियो के पहला मैसेज ने यही किया कि आ काम पे पूरे पैसे भेज दो नहीं तो मैं थोड़ी वीडियोज करण दत्ता नूं भेज दांगी, जिस तरीके वायरल किया जा रहा है कि सोच नहीं उस वीडियो को वायरल कर पीछे इस बंदे का हाथ है। मैं हूं तक असी उस दिन असी पूरे तरीके हर चीज़ में वेरीफाई करवाने लिए लगे हुए हैं, पर जड़ी रियल सिचुएशन है
ਸੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲੈਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰਾਹ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੰਮੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਦ ਬੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬੋਲ ਰਿਹਾ तो भाई आज की वीडियो बस इतनी ही। इस वीडियो से भाई आपको मतलब एक नॉलेज मिली हो कि भाई किसी की वीडियो इस तरह ना हमें आगे शेयर नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर गाइस आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में जरूर